नमस्कार, मैं शैलेंद्र देवांगन एक बार फिर अपने YouTube चैनल My Budget My Homes में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको रायपुर शहर के एक ऐसे लोकेशन के बारे में बताने जा रहा हूं इस वीडियो पे, जहां पर आप प्रॉपर्टी खरीदने के बारे में सोच सकते हैं। मैं बात कर रहा हूँ रायपुर शहर के सबसे तेज गति से डेवलपमेंट होने वाले क्षेत्र विधानसभा रोड के बारे में। आप आज जानेंगे कि रायपुर का विधानसभा रोड ऐसा क्या है वहाँ पर, जहाँ पर आप प्रॉपर्टी ले करके अपने निवेश को कई गुना ज़्यादा बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, रायपुर का विधानसभा रोड रायपुर के हृदय स्थल घड़ी चौक से शुरू होता है, जो कि रेलवे स्टेशन से भी काफ़ी नज़दीक है और यहाँ से सारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कनेक्टिविटी भी काफ़ी पास में ही है। तो मैं शुरू करता हूँ कि रायपुर का जो विधानसभा रोड है, ये शुरू होता है रायपुर शहर के पंडरी से। आपको पता होगा कि रायपुर शहर में पंडरी एक ऐसा पॉपुलर लोकेशन है जहां पर रायपुर शहर का सबसे बड़ा बस स्टैंड हुआ करता था। जी हाँ, बस स्टैंड हुआ करता था, क्योंकि अभी जो बस स्टैंड है वो चला गया है भाटा गांव पे। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं रायपुर के विधानसभा रोड में, जहाँ पर जिस चीज़ों को देख करके आप प्रॉपर्टी में निवेश कर सकते हैं। वो लोकेशन आज एक ऐसा लोकेशन है जहाँ पर रायपुर के सभी बड़े बिल्डर्स अपने अपने प्रोजेक्ट को डेवलप कर रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम प्रोजेक्ट्स भी इसी लोकेशन पे आपको देखने को मिलता है। तो रायपुर का जो विधानसभा रोड है, ये पंडरी से शुरू होकर के सड्ढू, मोआ, आमासिवनी विधानसभा चौक, उसके अलावा फिर खरोरा होते हुए बलौदा बाजार रोड को कनेक्ट करती है। ये लोकेशन की कनेक्टिविटी अगर देखूं तो सिवरी नारायण, कशडोल, बलौदा बाजार, बिलासपुर, अंबिकापुर, रायगढ़, इस लोकेशन के लोगों का जो आना जाना जो होता है, इसी रोड से ही आना जाना होता है, क्योंकि यहाँ पर उस लोकेशन के जितने भी हेडक्वार्टर्स हैं, जितने भी बड़े बैंक्स हैं, आपको सारे इसी के इसी लोकेशन पे देखने को मिलते हैं। अगर मैं पंडरी से थोड़े दूर की ही बात करूं, तो पंडरी में ही रायपुर का सबसे बड़ा कपड़ा मार्केट स्थित है, जो कि लगभग 40 साल से वो कपड़ा मार्केट चल रहा है और थोक बाज़ार है कपड़ा मार्केट का। इसके अलावा आप देखेंगे तो पंडरी में ही काफ़ी बड़ा मार्केट भी लगता है और भी दूसरी चीज़ों का मार्केट लगता है, जो कि इस लोकेशन के नज़दीक में रहने वालों के लिए बहुत ही आसानी से पहुँच मार्ग होती है कि अपने ज़रूरत के सामग्रियों का खरीदी कर सके। और भी बहुत सारे चीज़ है जिसके लिए ये लोकेशन जाना जाता है। दोस्तों, अगर पंडरी में और आगे बढ़ूं मैं, तो पंडरी के आगे आता है मोआ, जहां पर आता है अवंतीबाई चौक, जिसको हम लोधी पारा चौक भी कहते हैं। वहां पर आपको दो से तीन अलग अलग रास्ते कटते दिखते हैं। वहां से एक रास्ता जो जाता है शंकर नगर को जाता है और एक जो रास्ता है वो विधानसभा के रोड की तरफ आगे बढ़ता है। यहाँ से विधानसभा रोड पर जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो आता है सड्ढू, जहाँ पर काफ़ी बड़ा हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी है और कई सारे यहाँ पर डेवलपर्स बिल्डर्स अपने बड़े बड़े अफोर्डेबल से लेकर के प्रीमियम तक के प्रोजेक्ट यहाँ पर डेवलप कर रहे हैं, और जो कि काफ़ी ज़्यादा डिमांड में है और काफ़ी अच्छे सोसाइटी के लोग, हाई सोसाइटी तक के लोग इसी लोकेशन पर निवासरत है। अगर मैं सड्ढू की बात करूँ तो सड्ढू में ही एक बहुत ही बड़ा मॉल बना हुआ है, जिसको कहते हैं अंबुजा मॉल। दोस्तों, ये अंबुजा मॉल आपको देखने में काफ़ी प्यारा लगेगा, और एक प्रकार से देखा जाए तो ये बाहर का जो कल्चर है, जैसे फॉरेन में जैसे एक स्ट्रक्चर होता है, उस तरीके से इसको बनाया गया है अंबुजा मॉल को। इसके अलावा इसी से पहले रायपुर के पंडरी में सिटी सेंटर मॉल है, जहां पर भी आपको सारी सुविधा मिलती है, हर चीज़ आपको उस मॉल में मिलती है, जो कि बहुत ही शहर के नज़दीक है, शहर के अंदर ही है, इसको मैं अगर आपको बता सकूं। इसके अलावा रायपुर के जाने माने हॉस्पिटल्स भी इसी लोकेशन पे है, जो कि आपको आपके घर के बहुत ही नज़दीक मिलता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर बालाजी हॉस्पिटल है, हेरिटेज हॉस्पिटल है, नारायणा हॉस्पिटल है, और इसके अलावा बहुत सारे छोटे और बड़े हॉस्पिटल्स भी आपको मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मिलते हैं, जो किसी भी बीमारी का इलाज वहाँ पर किया जा सकता है। इसके अलावा और थोड़े से हम आगे चलते हैं अगर विधानसभा रोड में, तो यहाँ पर आता है आमासिवनी एरिया, जो कि रायपुर के काफ़ी बड़े बड़े बिल्डर्स यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, और इसी के कारण से ये लोकेशन काफ़ी ज़्यादा हॉट लोकेशन में आता है। इसके अलावा हम थोड़े से और आगे जाते हैं इस प्रोजेक्ट से, तो फिर आता है रायपुर का विधानसभा चौक।
दोस्तों रायपुर के विधानसभा चौक से ही थोड़े से पहले में एक रिंग रोड वहां से पास होती है, जो रोड रायपुर का रिंग रोड नंबर 3 है। जो सड़क आपको आरंग वाले रोड से लेकर के बिलासपुर वाले रोड तक कनेक्ट करती है, इसके कनेक्टिविटी के कारण से रायपुर आज सभी लोकेशन को बहुत ही आसानी से कनेक्ट कर सकता है और बिना किसी ट्रैफिक के कम प्रेशर से आप एक जगह से दूसरे जगह बाहर आसानी से निकल सकते हैं। इसके अलावा अगर हम थोड़े से आगे चले जाए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि विधानसभा चौक है, विधानसभा चौक में ही आपको महालेखाकार भवन मिलता है, जैसे कि आपको पता है उसको सीएजी ऑफिस है, वहाँ पूरे अकाउंट्स के काम होते हैं, ऑडिट के काम होते हैं। तो एक बहुत ही बड़ा यहाँ पर भवन है जहाँ पर मतलब इस लोकेशन का सबसे बड़ा जान बोल सकते हैं। ये लोकेशन बहुत दूर से दिखाई देता है, महालेखाकार जो भवन है, तो ये लोकेशन के आसपास को ही विधानसभा रोड के नाम से जाना जाता है और फिर यही रोड सीधा दोंदे कला दोंदे खुर्द होते हुए खरोरा होते हुए बलौदा बाजार रोड को कनेक्ट करती है। आपको पता है बलौदा बाजार रोड में काफ़ी सारे बड़े देश के हमारे काफ़ी बड़े बड़े सीमेंट इंडस्ट्री के फैक्ट्रियां भी है, सीमेंट का इंडस्ट्री भी है, जहां से दूसरे देश के दूसरे राज्यों में भी सीमेंट सप्लाई होती है और काफ़ी सारे यहां पर लोग रहते हैं, काफ़ी सारे यहां पर और भी डिपार्टमेंट्स हैं जो कि यहां से बहुत ज़्यादा पास है। तो दोस्तों मैं आपको इस लोकेशन के कुछ ऐसी चीज़ों को बताना चाहूँगा जहाँ पर आप अगर प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे हैं तो ये लोकेशन आपके लिए एक अच्छा लोकेशन हो सकता है, जहाँ पर आप अपने पैसे को निवेश कर सकते हैं और या तो आप अगर रहने के लिए कोई प्रॉपर्टी ढूंढ रहे हैं तो ये लोकेशन बेहद उम्दा लोकेशन है जहाँ पर आप रह सकते हैं। अगर निवेश के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको इस लोकेशन के बारे में बताऊँ तो रायपुर का सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट ग्रोविंग जो एरिया है ये विधानसभा ही रोड हुआ है, क्योंकि इसके बाद में ही बाकी जो सड़कों का डेवलपमेंट हुआ है वो हुआ है, सबसे पहले इसी लोकेशन का डेवलपमेंट आपको देखने को मिला है। क्योंकि अगर इसके इतिहास की बात करूं मैं तो जब पंडरी जब मार्केट हुआ करता था, जब पंडरी में मार्केट शिफ्ट हुआ था आज से 40 साल पहले, तो रायपुर बहुत ही संकुचित रूप में था, बहुत ही छोटा शहर था रायपुर, जिसको हम एक नगर भी बोल सकते, बड़े शहर के रूप में नहीं लिया था। लेकिन यही एक लोकेशन है जिसके कारण से धीरे 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 रायपुर बड़ा बढ़ने लगा। कुछ सालों पहले बात है कि रायपुर के लोग पंडरी से आगे जाना नहीं चाहते थे, पंडरी से आगे मोआ भी लोगों को बहुत दूर लगता था, वहाँ पर प्रॉपर्टी लेना मतलब लोगों को ऐसा लगता था कि हम जो है कहीं बहुत ज़्यादा दूर में आउटर में प्रॉपर्टी ले रहे हैं। तो इसके कारण से उस समय की मेंटेलिटी जो थी वो लोगों की मेंटेलिटी ऐसी थी कि यार इतना दूर में हम निवेश करें, उससे अच्छा तो हम शहर के अंदर ले लें या वहाँ पर प्रॉपर्टी हम सक्सेस हो पाए ना हो पाए। लेकिन कुछ बुद्धिजीवियों ने वहाँ पर प्रॉपर्टी खरीदा और आज वहाँ की प्रॉपर्टी आज आसमान छू रही है। जैसे मोआ हो गया, मोआ के बाद सड्डू एरिया है, सड्डू एरिया को भी लोग ऐसे ही कहते थे जहां पर कोई आना जाना पसंद नहीं करता था, लेकिन आज अगर देखेंगे तो सड्डू में आपको प्रॉपर्टी मिलना बहुत ही मुश्किल है। इसके अलावा धीरे 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 जैसे ही रायपुर शहर का विकास बढ़ता गया, रायपुर शहर का दायरा बढ़ता गया, बाहर से भी लोग आते गए, शहर का पॉपुलेशन बढ़ता गया, तो फिर डेवलपमेंट का जो गति है वो पहुंच गया विधानसभा चौक तक। आज विधानसभा चौक के आसपास भी देखेंगे तो रायपुर शहर के काफ़ी प्राइम प्रोजेक्ट्स आपको इस लोकेशन पे देखने को मिलता है, जहां पर अगर प्लॉट अगर आप लेना चाह रहे हो तो कम से कम 4000 रुपये स्क्वायर फीट तक आपको एक अच्छे आइडियल सोसाइटी में आपको प्रॉपर्टी मिलती है। इससे कम बजट की प्रॉपर्टी आपको इस लोकेशन पे मिलना बहुत ही मुश्किल है, अगर मिल भी जाए तो थोड़े अंदर में हो या कुछ ही गिने चुने जो सोसाइटी है वहाँ पर ही आपको प्रॉपर्टी मिलती है। अगर आप कम बजट में 1200 1300 या 2000 के अंदर के बीच पे आप अगर प्रॉपर्टी देख रहे हैं तो इस लोकेशन से थोड़े आगे में ही या तो आप आगे बलौदा बाजार रोड पे आप स्विच कर सकते हैं, वहाँ पे आपको धोंदे खुर्द और सिमरिया के आसपास कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ अच्छे बिल्डर्स हैं, उनकी प्रॉपर्टी आप देख सकते हैं जहाँ पर 1300-1400 रुपये से लेकर के 2000 रुपये तक के अंदर में आपको प्रॉपर्टी मिलती है। और इस लोकेशन की प्रॉपर्टी की खास बात यह है कि यहाँ पर की जितने भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो सारे ग्रीनरी से लस है, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर एम्यूनिटीज़ है। अगर कुछ प्रोजेक्ट्स
कि अगर मैं बारे में बताऊं तो कुछ प्रोजेक्ट्स में ऐसा है कि काफ़ी 200 एकड़ का प्रोजेक्ट है जहां पर गार्डन्स देखेंगे तो लगभग 30% 20% के एरिया में गार्डन बना हुआ है। जैसे कि गवर्नमेंट का जो नॉर्म्स होता है कि 50% सेलेबल एरिया और 50% ओपन एरिया, तो उसी कंडीशंस पे जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं जो आज के डेवलपमेंट हो रहे हैं वो सारे प्रोजेक्ट्स आपको देखने को मिलता है। और रही बात रहने के हिसाब से वो प्रॉपर्टी या वो लोकेशन है कि नहीं, तो सबसे अच्छी बात यह है कि गवर्नमेंट की तरफ से किसी भी इंडस्ट्री को इस लोकेशन में परमिशन नहीं है। ये लोकेशन पूरी तरीके से रिहायशी क्षेत्र में सिक्योर्ड है, रिहायशी क्षेत्र के लिए रिजर्व है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा रेसिडेंशियल टाउनशिप और रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स ही है, क्योंकि ये एरिया काफ़ी ग्रीनरी एरिया है और गवर्नमेंट भी चाहता है और हम भी चाहते हैं रायपुर के निवासी कि इस लोकेशन को वैसे ही बना के रखें, क्योंकि शहर के अंदर इतना ज़्यादा क्राउड हो चुका है, इतना ज़्यादा आपाधापी हो चुका है, तो लोग घर में थोड़ा सुकून चाहते हैं। और वो सुकून कैसे मिलेगा आपको? वो सुकून ऐसे ही मिलेगा कि जैसे एक आवास हो या एक प्रोजेक्ट हो, एक परियोजना हो, जहाँ पर आपको टहलने के लिए गार्डन मिले, थोड़े से अपने आप को स्ट्रेस फ्री करने के लिए आपको योगा हॉल मिले या तो आपको जिम मिले, तो ये सारे सोसाइटी में आपको इस लोकेशन के ये सारी चीज़ें मिलती है। दूसरी बात अगर बताऊं तो विधानसभा के आसपास में भी काफ़ी सारे बड़े और छोटे हॉस्पिटल्स इस लोकेशन पे मिलते हैं, जैसे कि MGMI हॉस्पिटल जो कि काफ़ी जाना माना हॉस्पिटल है छत्तीसगढ़ का। इसके अलावा आप देखेंगे लक्ष्मी नारायण हॉस्पिटल है और भी बहुत सारे हॉस्पिटल आपको विधानसभा दोंदे खुर्द से लेकर के मुआ के बीच में कम से कम आपको 20 से 25 हॉस्पिटल इस लोकेशन पर मिलेंगे। कभी भी किसी भी प्रकार का इमरजेंसी हो सकता है, ये कभी किसी को बता के नहीं आता, लेकिन हमें प्रिपेयर होना चाहिए कि हमें अगर ऐसी स्थितियों का सामना करना पड़े तो वो हम कितनी दूरी में तय कर सके, क्योंकि बहुत सारे तकलीफ या बहुत सारे जाने इसलिए भी जाते हैं कि हम समय में हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाते हैं। तो इसलिए आप अगर प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा आपको, जैसे कि मैंने आपको हॉस्पिटल के बारे में बताया। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इस लोकेशन में स्कूल और कॉलेजेस काफ़ी ज़्यादा है। अगर आपके घर में बच्चे हैं जो एजुकेशन ले रहे हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं और जिनको अच्छे स्कूल की ज़रूरत है, अच्छे स्कूल शिक्षा की ज़रूरत है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप विधानसभा रोड में आप अपने बच्चों को एजुकेशन दें, क्योंकि विधानसभा रोड में काफ़ी सारे बड़े स्कूल और कॉलेजेस हैं। जैसे कि मैं आपको कुछ नाम बताना चाहूँगा, यहाँ पर बहुत ही फेमस स्कूल है ज्ञान गंगा स्कूल, NH गोयल वर्ल्ड स्कूल, ब्राइटन इंटरनेशनल स्कूल, कैंपेन स्कूल, कोलंबिया कॉलेज भी इसी लोकेशन से ही जाया जाता है, और इसके अलावा DMAT कॉलेज, काइट कॉलेज और भी बहुत सारे स्कूल कॉलेजेस आपको इसी लोकेशन के सर्कल में 10 मिनट की दूरी पर आप तय कर सकते हैं। तो आज के समय में स्कूल बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और जितनी अच्छी और उच्च शिक्षा देंगे उतनी ही अच्छी परवरिश और उतना ही अच्छा संस्कार आपके बच्चे को मिलेगा। तो ये एक सोचने वाली बात है, ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि स्कूल हम कैसे चुने। तो ये सारे स्कूल कॉलेजेस के ऑप्शन आपको आपके बच्चे के लिए इस लोकेशन पर मिलता है। इसके अलावा मैं अगर आपको बताऊं तो कनेक्टिविटी, अगर कनेक्टिविटी देखेंगे तो विधानसभा मेन रोड से आप रेलवे स्टेशन एक स्ट्रेट रोड पर जाएंगे, जैसे कि आप विधानसभा चौक से निकलते हैं तो सीधा एक रोड पकड़ के आपको पंडरी तक आना होगा और पंडरी से ही राइट साइड पर टर्न करके आपको सीधा रेलवे स्टेशन मिलता है, जो कि विधानसभा चौक से अगर मैं देखूं तो रायपुर का जो रेलवे स्टेशन है वो महज 12 किलोमीटर के आसपास है। और रायपुर शहर में आज के समय में 12 किलोमीटर कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि रायपुर का जो दायरा है आज काफ़ी बड़ा हो गया है। लगभग अब रायपुर शहर 25 से 30 किलोमीटर के एक सर्कल एरिया में फैल गया है, चारों तरफ से डेवलपमेंट हो रहा है, जिसमें से विधानसभा रोड भी एक अच्छा विकल्प हो सकता है आप सभी के लिए। इसके अलावा मैं आपको जैसे कि बताया कि मार्केट और मॉल्स भी इस लोकेशन से काफ़ी नज़दीक हैं, तो इस लोकेशन पे सारी चीज़ आपको मतलब कहना चाहिए एक सुई से लेकर के बड़ी से बड़ी चीज़ों का मिलना बहुत ही आसान है, जहां पर आप अपनी दैनिक दिनचर्या को पूरा कर सकते हैं, दैनिक दिनचर्या के जो चीज़ है, जो हमारी ज़रूरत है, उनको आप आसानी से खरीद सकते हैं। इसी लोकेशन के आसपास में काफ़ी सारे बड़े और पॉश एरिया है, जैसे कि यहाँ से कनेक्टेड है विधानसभा रोड से शंकर नगर पास में है, शंकर नगर का जो एक्सटेंशन एरिया है जिसे खमारडी और कचना कहा जाता है, ये भी बहुत ही नज़दीक है। यहाँ इस लोकेशन में भी आपको रायपुर के काफ़ी बड़े बिल्डर्स के और काफ़ी प्रीमियम प्रोजेक्ट्स देखने को मिलते हैं, जहाँ पर आप एक अच्छी लाइफस्टाइल मेंटेन कर सकते हैं। अगर आप शौकीन हैं,
अच्छी लाइफ स्टाइल मेंटेन करने का और ऐसे सोसाइटी में रहने का जहाँ पर आपका अपना एक ऑरा बना रहे, आपका एक अपना सम्मान बना रहे। तो ऐसे भी कई सारे सोसाइटी मिलते हैं इस लोकेशन के अंदर में। और रही बात अफोर्डेबल प्रॉपर्टी खरीदने वालों की, तो अफोर्डेबल प्रॉपर्टी भी इसी लोकेशन के आसपास में ही है। मैं ये नहीं कहूँगा कि शहर के नज़दीक प्रॉपर्टी मिलेगी, पर जिनका बजट काफ़ी छोटा है, 800 हज़ार 700 के आसपास पर स्क्वायर फीट के आसपास कोई प्लॉट ढूंढ रहा है, तो यहाँ पर विधानसभा रोड पे ही राइट साइड पे एक टर्निंग है जिसे कहा जाता है नरदहा चौक। तो नरदहा चौक से आप राइट साइड पे जैसे ही टर्न होते हैं तो उस लोकेशन से आपको एक रोड मिलता है जो कि नरदहा पचेड़ा की ओर जाता है, और जो पचेड़ा से चंदखुरी जो श्री राम जी के ननिहाल कहा जाता है, जो माता कौशल्या का अपना मायका था, जिसे आज राम वन पथ गमन मार्ग के नाम से उससे काफ़ी अच्छा डेवलप किया जा रहा है, तो इसी रोड से कनेक्ट होते होते आप सीधा मंदिर हसौत को जाकर के कनेक्ट हो सकते हैं। अब मंदिर हसौत कौन सा रोड है, जो कि रायपुर से आरंग होते हुए सीधा महासमुंद या तो आप सराईपाली या उड़ीसा की ओर कनेक्ट करते हैं। तो इस लोकेशन से आपको चारों तरफ की कनेक्टिविटी मिलती है और इस लोकेशन पे आप अभी बहुत कम रेट में प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। अगर आपका मन है कि बहुत कम बजट में, अगर आपका बजट कम है, तो इस लोकेशन पे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, आप उसमें आप इंक्वायरी कर सकते हैं, आप प्रॉपर्टी को खरीद सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे काफ़ी सारी कनेक्टिविटी ऐसी है जहाँ पर आपको हर चीज़ मिलना है, जहाँ पर आपको प्रॉपर्टी के हर टाइप के बजट मिलने हैं। तो रायपुर का एक अच्छा विकल्प विधानसभा रोड शुरू से रहा है। मैं लगभग 35 ईयर का हूँ और बचपन से मैं इस रोड को देख रहा हूँ, इस रोड के डेवलपमेंट को देख रहा हूँ कि ये एरिया, कभी हम सोचा करते थे कि इस लोकेशन में हम जाने से डरते थे शहर के नज़दीक, लेकिन आज उस लोकेशन में रात रात तक चकाचौंध होता है। यहाँ पर सबसे अच्छी चीज़ ये है कि पूरे तरीके से रायपुर आज भी कम्प्लीटली सेफ है, सिक्योर है। तो यहाँ पर किसी भी प्रकार का जो परेशानी जो दूसरे शहरों में, दूसरे राज्यों में या मेट्रोस में होते हैं, जो वारदात होते हैं, रायपुर आज भी पूरी तरीके से सेफ है और रायपुर के लोग भी उतने ही प्यारे हैं और चीज़ों को समझते हैं। नियम और कानून का महत्व हर व्यक्ति जानता है रायपुर शहर का। इस लोकेशन से एयरपोर्ट भी काफ़ी नज़दीक है और सबसे बड़ी बात, रायपुर का जो इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है, ये भी यहाँ से आउटर से अगर आप निकलते हैं तो बहुत ही आसानी से, मुश्किल से 15 से 20 मिनट में आप इंटरनेशनल जो क्रिकेट स्टेडियम है वहाँ भी पहुँच सकते हैं। और रायपुर का जो सबसे बड़ा, जो बोलना चाहिए एक नया वर्जन है, रायपुर का जो नया वर्जन है, नया रायपुर, वो भी कनेक्टिविटी यहाँ से बहुत ही पास है। वहाँ भी आप मुश्किल से 10 से 15 मिनट का समय लगेगा, आप नया रायपुर आसानी से पहुँच सकते हैं। नया रायपुर में अगर आप वर्क करते हैं या नया रायपुर से रिलेटेड आपका कोई वर्क है, तो भी आप विधानसभा रोड में रह करके आप आसानी से वहाँ आना जाना कर सकते हैं। आपको पता होगा नया रायपुर एक काफ़ी बड़ा योजना है गवर्नमेंट की तरफ से, जो कि कई हजारों एकड़ के ज़मीन में बन रहा है और काफ़ी सुसज्जित और बहुत ही अच्छे तरीके से नया रायपुर को डेवलप किया जा रहा है। हमें लगता है कि आने वाले समय में कि रायपुर जो है दूसरे मेट्रोस के मुकाबले बराबर खड़ा रहेगा और उसी तरीके से यहाँ का जो डेवलपमेंट कार्य है वो काफ़ी तेज़ गति से चल रहा है। तो दोस्तों, मैंने आपको इस तरीके से अभी बताया कि रायपुर का विधानसभा रोड एक अच्छा विकल्प हो सकता है आपके लिए प्रॉपर्टी खरीदने के लिए। तो आप रायपुर में अगर प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो इस लोकेशन पे आप प्रॉपर्टी का इंक्वायरी कीजिए। ये लोकेशन आपके निवेश को बहुत ही शानदार रिटर्न देने में आपका साथ देगा। इसके अलावा अगर आप रहना चाहते हैं तो काफ़ी सारे विकल्प मैंने आपको बताया। और इसके साथ ही अगर आपको इस लोकेशन के बारे में और कुछ भी जानना हो या किसी प्रोजेक्ट्स के बारे में जानने हो, तो आप मेरे इस वीडियो को देखते हुए नीचे जो स्क्रीन पर जो मोबाइल नंबर रन हो रहे हैं, आप उसमें कॉल कर सकते हैं और इंक्वायरी कर सकते हैं कि इस लोकेशन में आपके अपने बजट में कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट है जो आपको सूट कर सकता है, जिसे आप अफोर्ड कर सकते हैं। वैसे तो विधानसभा रोड का एक बहुत बड़ा अस्तित्व है, पर इस वीडियो पे अगर मैं इतने सारे चीज़ों को बनाऊं तो ये वीडियो कई घंटे का वीडियो बन जाएगा। तो मैंने शॉर्ट में ही आपको इस लोकेशन के बारे में समझाया कि ये लोकेशन में क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं, और अगर और भी इसके बारे में जानना चाहते हो तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप कॉल कर सकते हैं। और यदि ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए, क्योंकि हमारा रायपुर
अब दूसरे शहरों के मुकाबले बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहा है। तो रायपुर के इस लोकेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग रायपुर के लिए जानेंगे, रायपुर के लिए अवेयर रहेंगे, तो रायपुर में भी बहुत सारी बिजनेस और जॉब्स की अपॉर्चुनिटी भी आएगी, बाहर की कंपनीज भी आएगी। मेरे सारे वीडियो में आप सभी का लगातार प्यार मिल रहा है, बहुत सारे कॉल्स आते हैं, बहुत सारे इंक्वायरीज आती है, बहुत सारे कमेंट आते हैं, जिसको देख करके मैं खुद भी बहुत ज़्यादा उत्साहित होता हूँ और भी ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के लिए रायपुर को डिस्क्राइब करने का मन करता है। तो ऐसे ही अपना प्यार बनाते रहिए और मुझे कमेंट में बताते रहिए कि आपको ऐसे कौन से लोकेशन के बारे में जानना है जिसे मैं आपको बता सकूं। आज के लिए बस इतना ही। आपका अपना रियल एस्टेट एक्सपर्ट शैलेंद्र देवांगन, थैंक यू सो मच।